संदीप सिंह, यू आर एसएसटी टीचर. दिस इज योर चैप्टर 11, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. स्टूडेंट, एज यू सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज सुप्रेस्ड, बट इट लिट द फ्लेम ऑफ नेशनलिज्म इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस. इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लेन अबाउट द exercise of the struggle of independence. Okay, why the struggle of independence raised to be in the Indians disappointed by British rule, a few educated Indians came forward from Indian National Congress in 1885. लोगों में असंतोष जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ था, कुछ एजुकेटेड इंडियंस जो लोगों ने एक नेशनल कांग्रेस की स्थापना की 1885 में, उनके द्वारा ये कांग्रेस का गठन किया गया. इन द बिगनिंग द कांग्रेस मेड मॉडरेट डिमांड्स लाइक लेटिंग इंडियंस ज्वाइन द गवर्नमेंट. शुरुआत में कांग्रेस का ये बहुत ही नरम पक्ष था, बहुत ही मॉडरेट थे, क्योंकि वो चाहते थे कि गवर्नमेंट में भारतीयों की भी हिस्सेदारी मिले. हाउएवर लेटर सम मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड डिमांडिंग स्वराज और सेल्फ रूल. लेकिन बाद में बहुत सारे राष्ट्रवादी लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर स्वराज और सेल्फ रूल की डिमांड करने लगे. To weaken the strength of freedom struggle, the British divided Bengal on the basis of religion. जब भारत में आज़ादी कमज़ोर पड़ने लगा तो भारतीयों की संघर्ष को कमज़ोर करने के लिए ब्रिटिशों ने बंगाल का डिवाइड किया, यानी बंगाल को धर्म के आधार पर विभाजित किया. दिस लेड टू स्वदेशी मूवमेंट. और इसका कारण ये हुआ कि भारत में स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत हुआ. गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 एंड ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल. गांधी जी जो अफ्रीका में थे, 1915 में भारत वापस आए और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लेना शुरू किया. गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922, यानी शुरुआत में सबसे पहले उन्होंने, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू किया. पीपल बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड स्टूडेंट रिफ्यूज द अटेंड द स्कूल एंड कॉलेजेज. इनके द्वारा चलाए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लोगों ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया और विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेजों को ज्वाइन करना छोड़ दिया. गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन 1930. गांधी जी ने 1930 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चलाया विद द डांडी मार्च. डांडी मार्च के द्वारा उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चलाया. डांडी मार्च क्या है? इन डांडी मार्च He walked with his followers to sea at Dandi, where he broke salt law by making salt from sea water. The Quit India Movement 1942 showed the world how British were suppressing the Indians. Quit India Movement में भारत छोड़ा आंदोलन जो 1942 को शुरू हुआ, ये पूरे विश्व में ये दिखा दिया कि ब्रिटिश लोग भारतीयों पर शासन कैसे कर रहे हैं, उनका शोषण कैसे कर रहे हैं. वर्ल्ड वार सेकेंड वॉज वीकेंड द ब्रिटिश दे वेयर फोर्स टू लीव इंडिया. और वर्ल्ड वार सेकेंड के द्वारा ब्रिटिशों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया. बिफोर द लेफ्ट द ब्रिटिश डिवाइडेड इंडिया इंटू टू कंट्रीज. भारत छोड़ने से पहले ब्रिटिश ने भारत को दो भागों में डिवाइड किया, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. इन दोनों देशों का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया. इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947.
और भारत की स्वतंत्रता 1947 को मिली। अब आते हैं एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स, कुछ जो है मेन पॉइंट्स या मेन वर्ड्स जो लेसन में आए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। स्वदेशी, थिंग्स दैट यू आर मेड वंस आउन कंट्री, जो अपने देश में बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वदेशी। स्वराज, इट इज़ अ हिंदी वर्ड मीन्स सेल्फ रूल्स, अपना शासन यानी स्वराज। पैट्रियटिज्म, अ स्ट्रांग लव फॉर अटैचमेंट टू वन होमलैंड, अपने देश से दृढ़ता के साथ जुड़ा रहना और अपने लिए निउछार करना, ये एक पैट्रियटिज्म कहलाता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, अ वॉर वॉज टुक प्लेस इन 1914 एंड 1918, जो वर्ल्ड वॉर पहला हुआ वो 1914 से 1918 में हुआ था। इन्वॉल्विंग मैनी कंट्रीज फ्रॉम यूरोप, इसमें से यूरोप के बहुत सारे देश शामिल हुए। नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, कॉजिंग डेथ ऑफ अबाउट 9 मिलियन पीपुल, और इस वर्ल्ड वॉर की वजह से एशिया और अमेरिका के मिलियंस लोग मारे गए। सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब क्या है, अ फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट विच ट्रूथ द मेन फोर्स, यानी ऐसा आंदोलन जिसमें कोई हिंसा न हो और अपनी बात को सत्यता से रखने को ही हम सत्याग्रह कहते हैं। लाठी चार्ज, इट इज़ अ हिंदी वर्ड, टू यूज लाठीज आर स्ट्राइक पीपुल क्राउड सो दैट स्कैटर देम, यानी भीड़ पर जब लाठियों से लोगों को मारा जाता है भीड़ पर और उनको अलग किया जाता है तो उसको हम लाठी चार्ज बोलते हैं। दूसरा वर्ड वर्ल्ड वार सेकेंड, अनदर वार दैट टुक बिटवीन 1939 टू 1945, इन्वॉल्विंग मैनी कंट्री अराउंड द वर्ल्ड रिजल्टिंग देयर 50 मिलियंस पीपुल। वर्ल्ड वार सेकेंड में जो 1939 से 1945 तक चला, इसमें भी वर्ल्ड के पूरे देश शामिल हुए और इसकी वजह से 50 मिलियन लोग मारे गए। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इन 1905 द ब्रिटिश पार्टीशन वन द ऑन द बेसिस ऑफ मींस ऑफ मींस मेड वंस ओन कंट्री, 1905 के ब्रिटिश ने विभाजन किया किसके आधार पर, तो यहाँ पर देखेंगे बंगाल का विभाजन किया, बंगाल का विभाजन किया रिलीजन बेसिस ऑफ रिलीजन, ओके, यानी धर्म के आधार पर उसका डिवाइडेशन किया। स्वदेशी मीन्स मेड इट्स ओन कंट्री, जैसा कि पहले पढ़ा था स्वदेशी मतलब क्या होता है, जो अपने देश में बना होता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट इन द ईयर ऑफ 1914, ओके। महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम, महात्मा गांधी भारत में वापस कहाँ से आए, तो साउथ अफ्रीका। ही ज्वाइन टू फाइट द ब्रिटिश, यानी सत्याग्रह, ओके, सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने शुरू किया ब्रिटिश से फाइट करने के लिए। गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट विथ डांडी मार्च, द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना डिमांड अ सेपरेट फ्रॉम मुस्लिम्स इज कॉल्ड पाकिस्तान, ओके, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक सही ऑप्शन को चुनना है। वन ऑफ द मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडिंग स्वराज, नेशनल कांग्रेस के एक मेंबर जिन्होंने स्वराज की मांग की, तो सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ओके। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई हैव सेड इट। गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन 1915, ओके। स्वदेशी मूवमेंट लेड टू द, स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, द पीपुल रिफ्यूजिंग यूज ब्रिटिश गुड्स, यानी लोगों ने ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार करना शुरू किया। पीपुल हैड गैदर्ड पीसफुली एट जलियांवाला बाग,
जलियांवाला बाग में लोग एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसके खिलाफ कर रहे थे? तो वो आंदोलन था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी बिना कोई मुकदमा किए, बिना कोई सूचना दिए उनको गिरफ्तार कर सकती थी। इसलिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर जनरल डायर ने लोगों पर निहत्थे भीड़ पर गोलियां चला करके हजारों लोगों को मार दिया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, सभी लोगों को मालूम है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। तो राइट आंसर 15 अगस्त 1947। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन आर टू सेंटेंसेस। हु सेड फ्रीडम इज माय बर्थ राइट? अभी हमने शुरुआत में बताया था, एंड आई शैल हैव इट। फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसको किसने कहा था? तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ब्रिटिश वांट डिवाइडेड बंगाल? ब्रिटिश बंगाल का डिवाइड क्यों करना चाहते थे? सो आंसर इज ग्रोइंग यूनिटी अमंग द इंडियंस, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डिवाइड द इंडियंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन्स। हाउ डिड ब्रिटिश ट्रीट विथ इंडियन आफ्टर वर्ल्ड वार? वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिशों ने किस तरह से व्यवहार करना शुरू किया? आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट द ब्रिटिश बिकेम हार्शर टूवर्ड्स द इंडियन एंड इम्पोज मोर टैक्सेस टू रिकवर द लूजेस दे हैड इनक्योर्ड इन द वार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गांधीजी रिटर्न टू इंडिया अफेक्ट द फ्रीडम स्ट्रगल? आंसर, इन 1915 गांधीजी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ही वर लव्ड एंड रिवर्ड by the Indian masses. Under his leadership, the movement spread to every nook and corner of this vast country. Five number question. What was the Rowlatt Act? Rowlatt Act kya tha? Answer, the British passed the Rowlatt Act, which allowed the British to arrest anybody they suspected without trial. Okay, the next question is, what is the meaning of satyagraha? Satyagraha ka meaning kya hai? A form of non-violent protest in which truth is main force, started by Mahatma Gandhi. Why was non-cooperation movement withdrawn? The non-cooperation movement withdrawn by the Gandhiji in 1922 when it turned violent in some places. What is khadi? Khadi kya hai? Why did Gandhiji ask people to use khadi? Hand spun yarn used to make rough hand woven clothes. Yani jo haath se bana hua kapda hota hai, rough kapda, usko hum khadi bolte hain. Called khadi. Gandhiji said that by using khadi, Indian would save crores of rupees in years and it would provide work millions of unemployed people. Yani Gandhi ji ye kehte the ki agar hum khadi ka use karte hain to lakhon logon ko rozgar milega aur sath hi sath karodon rupaye jo videshon mein hum bhejte hain wo bach sakta hai. When did India finally become independent? India finally became independent on 15 August 1947.
सो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।